मैं सभी भाइयों एवं बहनों से निवेदन करूंगा कि जो आत्मनिर्भर बनने का एक लक्ष्य होता है उसको सबसे पहली बात तो आती है पढ़ाई पे। जी बिना पढ़ाई के तो कोई आत्मनिर्भर बन नहीं सकता। पहली जी बात दो चार पांच एक्स्ट्रा ऐसे केसेस हो जाते हैं जहाँ की वो नहीं काम करता है, लेकिन अधिकतर जगह पे उसकी ज़रूरत रहती है। तो सबसे पहले तो युवाओं को ये है कि अपनी अच्छे से पढ़ाई पूरी करें, जी वो फॉर्मेलिटी वाली पढ़ाई ना करें कि हाँ नहीं हमको बस ये पास होना है, ये किए वो किए, फॉर्मेलिटी वाली पढ़ाई ना करें। जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, उसको उसमें एक्सपर्ट रहें उस चीज़ के। जी जी नमस्कार, मैं हूँ वाराणसी से शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत बातें होती हैं प्रगतिशील राजनीति की और प्रगतिशील विचारधाराओं की। और आईपा की जो टीम है वो हर उस जगह पहुँचती है जो दूर दराज के एरिए हों और कृषि से जुड़े हों, राजनीति से जुड़े हों, तो हर जगह हम लोग पहुँचते हैं और जानते हैं कि क्या हाल है इस समय। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अवधेश जी और जानते हैं कि किस तरीके से आप प्रयासरत हैं सहकारिता को लेकर, सहकारिता में किस प्रकार से प्रभार को संभाल रहे हैं और कैसे निर्वहन कर रहे हैं। स्वागत है अवधेश जी आपका। प्रणाम आप सभी को। मैं अवधेश कुमार डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक वाराणसी का वर्तमान में डायरेक्टर हूं एवं जिला सहकारी बैंक पिंडरा का वर्तमान अध्यक्ष हूं। अच्छा देखिए, अगर बातें की जाए तो किस तरीके के जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है आपको? चूँकि ग्रामीण इलाके हैं तो जैसे जो लोनिंग उनिंग बटी रहती है हमारे बैंक द्वारा, तो उसमें पैरवी होता है कि थोड़ा सा देख लिया जाए। तो तमाम लोग चूँकि सभी हम लोग से जुड़े ही रहते हैं तो इसलिए सबका ध्यान रखना पड़ता है। सब किसान बंधु ही हैं हमारे साथ, तो उन लोग का विशेष तौर पे हमें किसानों का, नौयुवकों का, सबका ध्यान रखना पड़ता है ताकि अच्छा, उनको कोई दिक्कत ना आए बैंकिंग के लेने और देने के प्रक्रिया में। जी अच्छा, एक सवाल इसमें बहुत महत्वपूर्न है आपसे। जो मोदी जी द्वारा जो जनधन योजना की जो शुरुआत की गई, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं होते थे, तो ये कितना लाभकारी नज़र आता है? जैसे अगर जाहिर सी बात है भाई बैंक अकाउंट उन लोगों ने खोले। आज के टाइम में सबसे जो आज का जो परिवेश है सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी योजना आ रही है, ऐसा नहीं कि कोई योजनाएँ नहीं आ रही हैं, उनकी उनकी गिनती ही नहीं ख़त्म होगी। जो योजनाएं अभी वर्तमान में है माननीय मोदी जी द्वारा और माननीय योगी जी द्वारा जो जारी किए गए हैं, तो सबसे बड़ा जो जनधन खाते का लाभ ये है, हमें ही नहीं उस व्यक्ति को है जिसके नाम से वो खाता खुला है, उसको लाभ ये है कि जो उनका पैसा जो सरकार द्वारा भेजा जा रहा है वो किसी बिचौलिए के ना पड़ते हुए सीधे उनके खाते में आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि कोई कमीशन नहीं देना है, कोई किसी को कुछ पैसा नहीं देना है कोई काम कराने के लिए, ऐसी बात है। किसानों से संबंधित अगर देखा जाए तो बहुत से किसान सही समय पे कर्ज नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए किस प्रकार से? जो मेरा बैंक है उसमें कई प्रकार की योजनाएं चलती रहती हैं। ओटीएस आता है हमारे बैंक में, समय समय पे ओटीएस जारी किया जाता है जिसमें जो ब्याज लगा रहता है एक निर्धारित समय सीमा के अंदर जिनका लोनिंग हुआ है उनको आज के डेट में हम लोग एक मुश्त ब्याज माफ़ कर रहे हैं। जो मूलधन है वही वापस लिया जा रहा है बैंक द्वारा, तो काफ़ी लाभ है। और काफ़ी हम कितने केसेस हैं उसको सबको सबमिट करके ख़त्म भी कर चुके हैं, तो एक बहुत ही लाभकर हम लोग के लिए है, बैंक के लिए भी और किसानों के लिए भी हित में है हमारे ये। अच्छा, पिंडरा में चैलेंजेस क्या थे आपके जब यहाँ पे जब आप चुने गए, तो क्या चैलेंजेस थे किस तरीके से? सर सबसे बड़ा चूँकि जो कुछ का किसान है अगर पैदा नहीं होगा तो वो देंगे कहाँ से जी, तो बस बात या दिक्कत ये आती है कि अगर उनके पास भी भाई आय का स्रोत रहेगा तो वो क्यों नहीं भरेंगे। दिक्कत बस इतना रहता है कि उनकी भी जीविका जो है वो निर्धारित है खेती बाड़ी के ऊपर ही है। जैसा फसल होता है अगर अच्छा होता है तो उस हिसाब से रहता है, नहीं होता है तो फिर उस हिसाब से भाई किसान है जी। ग्रामीण क्षेत्र में का हाल आप जानते ही हैं सर। अच्छा, फसल बीमा का कितना लाभ मिलता है? चूँकि जैसे मालिक अब तो फसल बीमा जैसी सुविधाएं जो हैं दी जा रही हैं उन्हें, तो क्या कहेंगे आप? हमारे बैंक द्वारा जो फसल बीमा निर्धारित करके काटी जा रही है और जिन लोग का ऐसा कुछ क्षति होता है उनको समय समय पर मुहैया कराया जाता है जी। अच्छा, ये सहकारिता से कैसे किसान जुड़ सकते हैं, जैसे क्या प्रोसीजर हैं, किस तरह के जुड़ने के क्या? आपको मैं बताना चाहूँगा, जिला सहकारी बैंक भूमि विकास बैंक दोनों बैंक एक साथ मिलजुल के किसान के लाभ के लिए, युवाओं के लिए को प्रोत्साहन के लिए सब एकदम तत्परता से खड़ी है क्षेत्र के लिए। रह गई बात जैसे कि जो किसान की बात कर रहे हैं, तो आज के डेट में हमें लक्ष्य जो मिला है भूमि विकास बैंक की तरफ से
वो करीब 2 करोड़ रुपए का लक्ष्य है जो हमें बांटना है किसानों में जी। और हमें लग रहा है हम लोग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया तक का लोन वितरण जो होता है वो हम लोग कर चुके हैं, मतलब आधे ज़्यादा हम लोग लक्ष्य हासिल कर चुके हैं। थोड़ा बहुत है वो भी मार्च का पूरा महीना है, किसानों की फाइलें आई हुई हैं, हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं जी। अच्छा देखिए, अब मंत्रालय की बातें किया तो मंत्रालय का प्रभार जैसे जिस तरीके से कितनी वहाँ से सपोर्ट मिल पा रही है आपको? हमारे जो मंत्री जी हैं वो हैं माननीय श्री अमित शाह जी हैं, तो उनका मार्गदर्शन हमें सब हम लोग को समय समय मिलता रहता है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही लखनऊ हम लोग को बुलाया गया था, तो वहाँ जाके उनसे मार्गदर्शन, उनकी बातें सुना गया, बहुत ही प्रोत्साहन देने वाले बातें थी जी। तो लगा कि नहीं हाँ, अगर कोई ऐसा जो काम करवाने वाले ऊपर रहे हों तो हम लोग को काम करने में और मजबूती मिलती है, एक प्रोत्साहन मिलता है, ताकत मिलती है। किसानों की आय दुगनी के लिए भी बातें बहुत सी की गई प्रधानमंत्री जी द्वारा, जो है किसान अब मतलब कि समृद्ध हो और खुशहाल हो, तो अब क्या नज़रिया, कुछ परिवर्तन नज़र आ रहे हैं इसमें? मैं इस विषय पर ज़रूर बोलना चाहूँगा, मैं स्वयं एक किसान हूँ और गेहूँ हुआ, धान, हम लोग के क्षेत्र में गेहूँ हुआ, धान हुआ, आलू हुआ, सरसों हुआ, मटर हुआ, दाल उल का तो चूँकि थोड़ा सा इधर बीच पैदावारी थोड़ा कम है, लेकिन बाकी ये सब चीज़ों में जो रेट हम लोग को जो गेहूँ पैदा होता था 1200-1300 में व्यापारी आके उठा ले जाता था, आज उसी गेहूँ का कीमत हम लोग का 1800-1900 के करीब पहुंच गया है हम लोग का कुंटल का। धान का भी लगभग वही है, 1900 के आसपास ही हम लोग का उसका भी रेट है। तो आज हम कुंटल के पीछे अगर हम जो MSP की बात करते हैं तो वे तो फिक्स हमें मिल रहा है ना जी। हाँ, धान का 1940 जो क्रय केंद्र जी जी जी। तो ऐसे ही मैं तो सरकार से भी निवेदन करना होगा, जैसे आलू हुआ, आलू के किसानों को भी नुकसान होता है, कभी अच्छा रेट मिलता है, कभी रेट नहीं भी मिलता है, तो कम से कम उसकी भी उसके इन सब जो किसानी किसान किसानी जो जुड़े हुए हैं, किसानी जो कर रहे हैं उनके से जुड़े फसल जो जुड़े हुए हैं उनका सबका निर्धारित किया जाए। ऐसे ही आलू हो, आलू की हमारे क्षेत्र में बुआई होती है, हम लोग भी बोते हैं उसके लिए, तो देखा जाता है कि अगर प्रोडक्शन है तो रेट नहीं मिलता है, हाँ। और प्रोडक्शन नहीं है तो रेट मिलेगा, तो प्रोडक्शन कम रहने पे तो नुकसान तो किसान का ही है ना, किसान का ही है। अच्छा देखिए, युवा हैं आप और कृषि की तरफ से युवाओं का जो है मोह भंग होता नज़र आया, लोग निकल रहे थे रोज़गार के लिए, कहीं IT क्षेत्र में इंजीनियर बनने के लिए, सिविल की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद बगल में प्रयागराज चले जाते थे, उसके बाद यहाँ से मुंबई, दिल्ली, नोएडा ये रुक कर रहे थे लोग, यहाँ से बेंगलोर रुक कर रहे थे। तो आप युवा होते हुए जैसे कृषि की तरफ आपका थोड़ा सा जो आपने बताया तो क्या क्या नज़रिया क्या था? सर चूँकि जो गांव में रहता हूँ, गांव का माहौल है हमारा जी, तो इसलिए बड़ा सुकून मिलता है कि ऐसे वातावरण में रहने को मिलता है। शहर के लोग परेशान रहते हैं कि हम गाँव में जा कर रहें, ऐसा इतना पोल्यूशन है, डस्ट रहता है, नॉइस रहता है, तो तमाम चीज़ें से लोग परेशान रहते हैं। हम लोग तो अगर रात को मतलब इतने सुकून से नींद रहता है कि मतलब क्या बताएं आपको, तो अच्छा, हमें वो माहौल ज़्यादा अच्छा लगता है कि भाई गांव वाला माहौल हमको ज़्यादा पसंद है। अच्छा देखिए, चूँकि युवा भी हैं आप, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे आप? मैं सभी भाइयों एवं बहनों से निवेदन करूँगा कि जो आत्मनिर्भर बनने का एक लक्ष्य होता है उसको सबसे पहली बात तो आती है पढ़ाई पे जी, बिना पढ़ाई के तो कोई आत्मनिर्भर बन नहीं सकता। पहली बात, 2-4-5 एक्स्ट्रा ऐसे केसेस हो जाते हैं जहाँ की वो नहीं काम करता है, लेकिन अधिकतर जगह पे उसकी ज़रूरत रहती है। तो सबसे पहले तो युवाओं को ये है कि अपनी अच्छे से पढ़ाई पूरी करें जी, वो फॉर्मेलिटी वाली पढ़ाई ना करें, हाँ। कि नहीं हमको बस ये पास होना है, ये किए वो किए, फॉर्मेलिटी वाली पढ़ाई ना करें, जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, उसको उसमें एक्सपर्ट रहें उस चीज़ के जिस फील्ड में रहे हैं। BSc AG के जो हैं, चूँकि कृषि से संबंधित है, BSc AG जो करते हैं, MSc जो, तो इसके लिए जो अगर बातें की जाएँ तो कुछ विश्वविद्यालयों को और प्रमोट करना चाहिए, कुछ और विश्वविद्यालय बनने चाहिए, आवश्यकताएँ क्या है इस समय नज़र आती हैं? सर ऑलरेडी जितने अभी यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी जगह BSc AG चल रहे हैं जी, और जो लोकल जैसे जो गांव डिग्री कॉलेज जो कहा जाता है वहाँ पे भी ये BSc AG वाली परीक्षा मतलब कोर्सेज उपलब्ध हैं, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि AG है सब्जेक्ट उपलब्ध नहीं है, हर जगह उपलब्ध है। अच्छा देखिए, हमारे चैनल आईपा की मुहिम रहती है, हम लोग जन जन तक पहुँचते हैं, राजनेताओं के पास पहुँचते हैं और समाज सेविकों के पास पहुँचते हैं, विभिन्न पदाधिकारियों के पास पहुँचते हैं, तो आईपा की इस मुहिम को आप क्या कहेंगे? सर आपका जो मुहिम है बहुत अच्छा है,
रह गई बात, एक बात और मैं लास्ट में बताना चाहूँगा आपको जी। सर मैं भी वो समय देखा हूँ जब 6 घंटे 7 घंटे हम लोग को बिजली मिलती थी और छत पे सोना पड़ता था गर्मी में, वो भी गद्दा उधर डाला गया। उसके बाद जब लाइट आती थी तो होता था कि चलो चलो नीचे चलो तुरंत जी। पंखे में सोना है, कूलर में सोना है। आज परिस्थितियाँ इतनी बदल गई हैं कि 24 घंटे नहीं कहेंगे तो 23 घंटे में तो कोई दाग ही नहीं है कि 23 घंटे बिजली आपको नहीं मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र हो शहरी क्षेत्र हो, हम तो ज़्यादा सुखी हैं आज की डेट में जी। और ये हम एकदम दावे से कहते हैं कि बिजली हमारे लिए मतलब कुछ ना, हमें बिजली मिल रहा है हमारे हम लोग के लिए बहुत है जी। अच्छा मतलब बिजली की जो सुविधाएं हैं इसके लिए जो है बहुत बहुत है सर जी। तो देखिए आप थे हमारे साथ अवधेश जी, जिन्होंने बताया विभिन्न विषयों पर, जिनसे चर्चा हुई और एक अलग अलग जवाब निकल के आया, जिनका साफ तौर पे कहना था कहीं ना कहीं से बीजेपी गवर्नमेंट से भी लाभ है और कहीं ना कहीं से सहकारिता से किसानों का सीधा जुड़ाव है और उनको सीधा लाभ मिलता है। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।